नमस्कार दोस्तों, रेबेल स्टार प्रभास इंडियन सिनेमा की रिकॉर्ड्स बुक को फिर से लिखने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि उनकी बहुप्रतीक्षित मूवी जो कि इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी मूवी है कल्कि 2898 एडी को रिलीज होने में बस उतने घंटे बचे हैं जितनी आप उंगलियों पर गिन सकती हो। अगर शो की बात करें तो भाई साहब, रात के 1:30 बजे का शो, 2 बजे का शो, 2:30 बजे का, 3 बजे का, ऐसी ऐसी टाइमिंग में मूवी रिलीज होने जा रही है जिसकी एडवांस बुकिंग भाई साहब छप्पर फाड़ रही है, सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, एडवांस बुकिंग के, ओवरसीज बुकिंग के, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं बचा जहां पर ये मूवी अपनी सुनामी ना ला रही हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल्कि 2898 मूवी की रिकॉर्ड तोड़ एडवांस बुकिंग के बारे में, जो इंडियन सिनेमा के तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ती हुई नए कीर्तिमान बनाने की तरफ बढ़ रही है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि सफलता नामा आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियो लगातार मिलते रहे। तो करते हैं आज की वीडियो का शुभारंभ। तो कल की मूवी की एडवांस कमाई के आंकड़ों की शुरुआत हम करते हैं अमेरिका से। जी हां, नॉर्थ अमेरिका प्रीमियम में आप देख रहे हैं कि 3.1 प्लस मिलियन यूएस डॉलर की कमाई इसने एडवांस बुकिंग में कर दी है रिलीज से पहले। जी हां, इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो लगभग 27-28 करोड़ रुपया बैठता है, यानी सिर्फ नॉर्थ अमेरिका की प्रीमियर शो से ही इसने 27-28 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग की कमाई कर डाली है। और वहां पर लगभग रात तक इसके रिव्यू भी आ जाएंगे, और अगर रिव्यू इसके दमदार होते हैं तो कोई रिकॉर्ड नहीं बचने वाला है, सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, क्योंकि ये प्रभास द रिवेल स्टार की ऐतिहासिक सबसे महंगी मूवी है, रिकॉर्ड तो टूटने ही थे भाई। तो अब हम नजर डाल लेते हैं इसकी इंडिया में कमाई पर। भाई इंडिया में क्या हालचाल चल रहा है और इंडिया के किन रिकॉर्ड्स को ये तोड़ने वाली है। अगर इंडिया में हम एडवांस बुकिंग की कमाई के रिकॉर्ड्स को देखें तो कुछ मूवीज यहाँ पर रिकॉर्ड बना करके बैठी हुई हैं जो कल्कि के निशाने पर हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं उन रिकॉर्ड्स के बारे में जिन रिकॉर्ड्स को ये मूवी बुलडोजर बन करके तोड़ती जा रही है। तो सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड है ओपनिंग डे पर KGF चैप्टर 2 का, जिसने लगभग 80 करोड़ रुपए एडवांस बुकिंग में ही कमा लिए थे। दूसरे नंबर पर है RRR, जिसने 59 करोड़ रुपए की कमाई की थी। नंबर 3 पर प्रभास की मूवी सलार थी, जिसने 49 करोड़ रुपए की एडवांस कमाई करके दिखाया था। और नंबर 4 पर हमारे किंग खान शाहरुख खान की मूवी थी जबान, जिसने 41 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग में कमाई करके दिखाया था। तो यहां पर प्रभास ही एक ऐसे हीरो है जो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हैं और खुद के ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए खुद को ही रोकते हैं। यहां पर दोपहर तक यही स्थिति बनी थी, क्योंकि दोपहर में ही 41 करोड़ रुपए जवान के रिकॉर्ड को इस मूवी ने तोड़ दिया था। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक इसकी एडवांस बुकिंग 50 करोड़ रुपए को पार कर चुकी है, यानी कि प्रभास अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। प्रभास ने सलार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब वो तीसरी सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग करने वाली मूवी बन गई है हिंदी सिनेमा की, इस समय तक की बात करें। हालांकि याद रखें कि जिस समय तक ये वीडियो अब तक आएगा उस समय तक ये आंकड़े बढ़ चुके होंगे, क्योंकि हर घंटा ये आंकड़े अपडेट हो रहे हैं। तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, इसको एडिट करूंगा, फिर अपलोड करूंगा, तब तक एक आध घंटा हो जाएगा, तो ये आंकड़े बढ़ चुके होंगे। यहां पर अगर इसके शो की बात करें तो ऑल इंडिया इसके सभी लैंग्वेजेस के शो मिलाकर के 22,000 शो चल रहे हैं, जिसमें लगभग 1.9 मिलियन टिकट इसके ऑल इंडिया बेचे जा चुके हैं, यानी लगभग 19 लाख टिकट इसके बिक चुके हैं, जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। अगर हम लैंग्वेज वाइज बात करें किस लैंग्वेज में कितनी ज्यादा कमाई हुई है, तो वो आंकड़ा कुछ इस प्रकार है। यहां पर कल्कि 2898 एडी ने तेलुगु के 2D वर्जन से अभी तक कमा लिए हैं कुल मिलाकर के 24 करोड़ रुपए, और यहां पर 3D वर्जन से इसने कमाए हैं तेलुगु के 16.5 करोड़, यानी लगभग 16.5 करोड़ रुपए। यहाँ पर तेलुगु में इसके लगभग 750 के लगभग शो खुले हुए हैं, यानी कि लगभग आपको 8,000 से 9,000 तक शो इसको हो जाएंगे तेलुगु में, क्योंकि तेलुगु में अच्छी मूवी चल रही है। तमिल की बात करें तो तमिल ने इसके 2D वर्जन से कमा करके दिए हैं अभी तक लगभग 40 लाख रुपए, जबकि 3D वर्जन 1 करोड़ को पार कर चुका है अब तक, लगभग 1,20,00,000 रुपए इसने 3D वर्जन से दिए हैं कमा करके। अगर यहाँ मलयालम की बात करें तो मलयालम ने कुल मिलाकर के 2D वर्जन में तो अभी लगभग 70 लाख रुपए का आंकड़ा पार किया है, जबकि 3D वर्जन में 1.25 करोड़ रुपए को पार कर चुका है।
अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी वर्जन से 2D ने अब तक कमा कर दे दिए हैं 2.5 करोड़ रुपए, जबकि 3D वर्जन यहां पर 5.5 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है। यानी कि इसने जो सलार का 5.5 करोड़ रुपए का था वो सिर्फ 3D वर्जन से पार कर लिया है। तो यह ध्यान देने की एक बात यह है कि सलार का जो हिंदी का ओवरऑल ओपनिंग थी वो 17 करोड़ रुपए थी, उसमें भी 5.5 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग थी। यानी कि सलार का जो रिकॉर्ड था हिंदी वर्जन में ओपनिंग लेने का वो कल की 2898 यहां पर क्रॉस करने वाली है। यानी सलार से बड़ी ओपनिंग तो हिंदी पट्टी में ये ले रही है। तो कुल मिलाकर के अभी तक का सीन ये था, सिनेरियो ये था, जिसमें कि 50 करोड़ प्लस हो चुकी है इसकी एडवांस बुकिंग। अब ये तीसरी सबसे बड़ी मूवी बन चुकी है और हो सकता है जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचेगा, आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तब तक ये RRR की 59 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड को भी तोड़ चुकी होगी। यानी इंडिया में सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग लेने वाली दूसरी मूवी तब तक बन चुकी होगी। हर घंटे इसके आंकड़े अपडेट हो रहे हैं और लगातार एडवांस बुकिंग यहां पर बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे में ये मूवी KGF चैप्टर 2 के 80 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी। आप लोगों का क्या कहना है, क्या कल की 2898 AD सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग लेने वाली मूवी बन पाएगी इंडियन सिनेमा की? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।